रोज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ नंदनी प्रिया। एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे मोतिहारी। एमएलसी उम्मीदवार बबलू देव के लिए सभा को किए संबोधित। सभा में आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। गोपालगंज में ट्रक चालक ने 5 छात्रों को कुचला, गंभीर हालत में सभी छात्र सदर अस्पताल में भर्ती। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोपतापुर के सभी छात्र कुचाय कोर्ट के बोपतापुर के पास। NS 27 की घटना। बेगूसराय में आग लगने से 6 घर जलकर हुआ राख, आगजनी में लाखों का हुआ नुकसान। चेरिया बरियारपुर थाना के सकरवासा की घटना। नवादा में भीषण सड़क हादसा, बाजार जा रहे 3 लोगों को बस ने रौंदा, 2 की मौके पर हुई मौत। अकबरपुर थाना क्षेत्र के NS 31 की घटना। बेगूसराय में वाहन की चपेट में आने से एक मासूम की हुई मौत, ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क को किया जाम। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के सकरा गांव की घटना। ATS ने पुलिस मुख्यालय को सौंपी विस्फोट की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर गोपालगंज विस्फोट का किसी आतंकी संगठन से नहीं है संबंध। ATS की जांच में बड़ा खुलासा, थाना स्तर पर लापरवाही के कारण भागलपुर गोपालगंज में हुए विस्फोट, सोडियम नाइट्रेट और सल्फर के मिश्रण से हुए धमाके। मुंगेर में फसल काटने के विवाद में 2 पक्षों के बीच चली गोली, विरोध में लोगों ने 80 को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर कराया मामला शांत। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगा पार दरिया की है। मधुबनी में नगर निगम के सहायक का मिला 100, नगर निगम के आयुक्त पर हत्या का लगा आरोप, पुलिस ने आयुक्त को किया गिरफ्तार। मुंगेर में शराब खोजने निकली पुलिस की गाड़ी गड्ढे में पलटी, घटना में BMP सहित पुलिस के 7 जवान हुए घायल। मुंगेर गंगा नदी के पास की घटना। बिहार में इंटर परीक्षा के रिजल्ट का काउंटडाउन हुआ शुरू, अगले 3 दिनों में जारी हो सकता है रिजल्ट। बोर्ड में शुरू हुआ इंटर टॉपर वेरिफिकेशन में फिजिकली उपस्थित है 8 कॉमर्स और साइंस के टॉपर। बेगूसराय में शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 8 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने रिफाइनरी OP के किस्सावे में की कार्रवाई। कटिहार में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। कोटा थाना क्षेत्र के कुलासी इलाके की हादसा। मुजफ्फरपुर में शराब छापेमारी करने के पुलिस टीम का विरोध, महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बंद घर का ताला तोड़कर ली तलाशी, साथ ही लोगों को पीटा। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर इलाके का है मामला। बिहार में पुलिस स्टेशनों के पास अब नहीं नजर आएंगे कबाड़, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की हो रही तैयारी। राज्य में पुलिस स्टेशनों में जमा कबाड़ को हटाने की मुहिम हुआ शुरू। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया हंगामा, भूमिहीन मनरेगा में लूट और रोजगार का उठाया मुद्दा। मुकेश सहनी के बयान, दिल में बसते हैं लालू पर मंत्री सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा लालू की विचारधारा वालों के लिए NDA में जगह नहीं। दरभंगा हंगामे के बाद DMCS में पढ़ाई और प्रशिक्षण 21 तक बंद, MBBS छात्रों ने खाली किया छात्रावास। गया DM ने जारी किए निर्देश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट देने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। जिले भर के 49 थानों में छापेमारी दल का किया गठन। गोपालगंज बैकुंठपुर जहरीली शराब कांड में एक डेढ़वा गांव के संजय सिंह की हुई मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7। अभी के लिए बस इतना ही। STB न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STB न्यूज को ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STB न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STB न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STB न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।